हेलो गाइस, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑन फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो आज के लेसन में जो है, सबसे पहले हम लोग तीन ऑर्गेनिक रिएजेंट को देखेंगे। और मज़े की बात क्या है कि अगर तीनों में से कोई भी ऑर्गेनिक रिएजेंट का अगर हम लोग एल्किन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो हमें फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल ही देगा। मतलब तीनों का फंक्शन यही होता है कि वो एल्किन से एल्कोहल बनाता है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट अब ये सोच रहे होंगे कि सर, तब तो अगर हमें कभी भी एल्किन से एल्कोहल बनाना होगा कन्वर्जन रिएक्शन में, तो हम इन तीनों में से कोई भी एक जो है वो ऑर्गेनिक का रिएजेंट यूज कर लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा अलर्ट कर देना चाहता हूं कि यहां पे जो है, माना कि 100% बात ये कंफर्म है कि अल्कोहल तीनों एज अ फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अल्कोहल बनता है। इनका मैकेनिज्म थोड़ा थोड़ा जो है वो चेंज होता है, तो वही अभी हम यहां सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले हम ये तो जान लें कि आखिर वो तीनों जो है वो ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या है। तो सबसे पहला ये है कि अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिडिक मीडियम में, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर H3O+ भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, तो उसमें भी क्या होता है, एल्किन से एल्कोहल ही बनता है। दूसरा फिर हम लोग देखते क्या है कि अगर हमारे सामने जो इस तरीके से जो है डाइबोरेन B2H6 रहे और इसके साथ जो है एक परोक्साइड हाइड्रोजन परोक्साइड रहे प्लस एक बेस रहे NaOH, अगर ये तीनों आपको कहीं पर भी दिखे तो आप सिंपली समझिएगा कि ये तीनों बहुत ही, इन तीनों को मिला के कॉमन सा प्यारा सा नाम होता है उस रिएजेंट का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में HBO भी कहते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, डाइबोरेन आ जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड आ जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। तीसरा हमारा क्या है इसमें ऑर्गेनिक रिएजेंट जो एल्किन से अल्कोहल बनाता है, वो है हमारा मर्क्यूरी एसिटेट। तो पहले क्या हो जाएगा, HgCH3COO और H2O हो जाएगा, फिर आ जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वाटर। तो इन तीनों को भी मिला के एक बहुत ही प्यारा सा हमें ऑर्गेनिक रिएजेंट का नेम देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग OMDM भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन हो गया, तो ये इसका हो गया रिएजेंट, और फिर ये क्या हो गया, इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएजेंट, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, और ये हो गया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। अब तीनों को जो है वन बाय वन हम लोग समझते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक बहुत ही कॉमन सा जो है एल्किन का एग्जाम्पल लेंगे, और वही एल्किन, मैं कॉमन एल्किन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि अगर एक कॉमन एल्किन है और उसी में अगर हम लोग इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस टाइप का एल्कोहल मिलेगा, फिर वही एल्किन के साथ अगर HBO का रिएक्शन कराते हैं तो कैसा मिलेगा, और फिर उसी एल्किन के साथ हम लोग ये ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रिएक्शन कराते हैं तब हमें किस टाइप का एल्कोहल मिलेगा। एक ही एग्जाम्पल से जो है आप ज़्यादा चीज़ों को जो है क्लियर समझ पाओगे। अगर डिफरेंट एग्जाम्पल एल्किन का लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि मे बी आपको समझने में आपको ट्रबल आए, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने जैसे ये एक एल्किन का एग्जांपल लिया, तो यही एल्किन का जो है अभी हम लोग तीनों रिएजेंट पे अप्लाई करेंगे, देखेंगे किस टाइप का एल्कोहल बनता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसका रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या मिलेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है तब हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, मार्कोनिकॉप्स रूल तो फॉलो होता ही है, साथ ही साथ रीअरेंजमेंट भी होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या, आप खुद सोचो, अगर एल्किन को हम लोग ब्रेक करेंगे तो कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, ये सब आपको सोचना है। इंटरमीडिएट हमारा बनेगा कार्बोकैटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किस फॉर्म में होता है, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और सबसे लीस्ट जो है स्टेबल वो 1 डिग्री कार्बोकैटायन होता है। और मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है, सिंपल सी बात है, जहां जो भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको आप बॉक्स बनाइए, ये लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था, इन दोनों में से कौन कार्बन के पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो इसके पास है, तो इसी से इसी पे क्या हो जाएगा, इसी पे हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, मतलब OH जो है वो ऐड होगा। तो यहां पे हम लोग चाहेंगे, यहां पे OS तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग यहीं पे ऐड होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पे OH जुड़ने से पहले क्या होगा, इस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, जो मैं बात बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना है तब समझ जाओगे आप। तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा, तो आप खुद सोचिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर गया है और इस पे प्लस चार्ज है, तो ये कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है कि नहीं, ये कार्बन एक इधर और एक इधर, दो कार्बन से अटैच है इसलिए 2 डिग्री, और आप ये बोलिए 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या होता है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बन सकता है क्या, तो एग्जैक्टली बन सकता है। कैसे, तो कुछ नहीं करना होता है, यहां पे हम लोग 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग कराते हैं। अब देखिए, ये जो है ना, ये हाइड्रोजन यहां पे इस ये कार्बन के नेक्स्ट, मतलब इस कार्बन पे जो है ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, 1-2 ये पे हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा, तो यहां पे ये एक हाइड्रोजन चला जाएगा और इस कार्बन पे अब आ जाएगा क्या, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग, 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, आई होप ये सब टर्म्स से तो ऑलरेडी आप लोग वाकिफ होंगे। तो अब ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये कार्बन को थोड़ा सा देखिए, ये कार्बन से अटैच एक, ये कार्बन है एक,
फिर दो और फिर इधर तीन। तो ये कार्बन जो कार्बोकटाइन बना रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन बना रहा है, और पहले क्या था 2 डिग्री। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बोकटाइन इस पे ना बन के इस पे बनेगा। तो यहाँ इस तरीके से हम लोग चीज़ों को फ्रेश करके देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ CH3 हो गया, क्योंकि इसका हाइड्राइड जो है 1-2 शिफ्ट करके जो है इस कार्बन पे आ गया। तो यहाँ CH था, एक और इधर का हाइड्रोजन आ गया, तो CH2 हो गया, और ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, CH2 होता, अब आप खुद सोचिए हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, ए एच और ओ एच दोनों ऐड होगा। तो एच जो है वो किस पे आएगा, जो जो नेगेटिव चार्ज मतलब ब्रेक करके जो नेगेटिव चार्ज दिया, तो नेगेटिव चार्ज ये लिया, तो इस पे क्या हो जाएगा, एच प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 बन गया, और ओ एच एक्चुअली मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जुड़ना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा, मार्कोनी कॉप्स के साथ साथ अरेंजमेंट भी होता है कि क्या क्या वो कार्बोकटाइन जो मार्कोनी कॉप्स के अकॉर्डिंग है, जो 2 डिग्री अभी हमारा इस केस में आ रहा है, इससे भी स्टेबल हमें मिल सकता है क्या। तो एग्जैक्टली हमें मिला, इसके नेक्स्ट में सीधे हमें 3 डिग्री कार्बोकटाइन मिल गया। इसीलिए अब OH जो है अब इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट देखिए हमारा किस तरीके से बनेगा, CH3 है, यहां CH3 है, और यहां OH अटैच हो जाएगा, और फिर हमें क्या देखने को मिला, ये CH2 हो जाएगा और ये CH3। तो इस तरीके से जो है हमारा हाइड्रोलिसिस कराया, जब एसिडिक मीडियम में, तो एल्किन से अल्कोहल बना, और इसमें मार्कोनी कॉप्स रूल जो है एडिशन रूल फॉलो हुआ, साथ साथ रीअरेंजमेंट के, ठीक है। देखिए आप लोग देख सकते हो कि यही एल्कीन जो हम लोग फर्स्ट केस में भी लिए थे, जिसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराए, और वहां पे क्या हुआ, मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग जो है एडिशन हुआ, और उससे पहले हमें रीअरेंजमेंट अगर और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन मिल सका तो वो भी हम लोग करते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, ये हमारा डाइबोरेन है, सेम ही एग्जाम्पल है। देखिए एल्किन जो पहले हम लोगों ने लिया था, वही एल्किन अभी इसमें भी लेंगे, और नेक्स्ट वाला जो हमारा एक और रिएजेंट बचता है उसमें भी हम लोग यही एल्किन यूज़ करने जा रहे हैं, तभी आप डिफरेंस अच्छे से क्लियर कर पाओगे इन तीनों रिएजेंट में कि किस टाइप का तीनों जो है अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे डाइबोरेन हो गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड NaOH, जिसको एक साथ अगर मिला दें तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसका नेम हो जाता है ये रिएजेंट का। अब इसमें सिंपल सी बात है, आपको एक चीज हो सके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो कि ये जो है एक्चुअल में ये डबल बॉन्ड में जो एडिशन होगा यहाँ पे वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ये एडिशन होता है एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन, ये ध्यान रखना है, किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोप्स रूल क्या कहता है, थोड़ा सा हम लोग फिर से फोकस करें। डबल बॉन्ड जहां है बेटा उसको क्या करना है, घेर लेना है, और यहां पे देखना है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किस पे है, तो इस पे है। तो जिस पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उसके साथ क्या होता है, उसके साथ जो है हमारा वो क्या हो जाता है कि OH जो है उसी के साथ अटैच होता है। जिसमें कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है उसमें हाइड्रोजन एटम अटैच होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोप्स रूल एडिशन, ना कि मार्कोनी कॉप्स में तो यहां पे OH जुड़ता है, H कम है, और एंटी में क्या हो जाएगा, यहां पे जुड़ेगा, तभी तो ये उल्टा काम करता है, इसलिए एंटी हम लोग टर्म यूज करते हैं। तो यहां सिंपल पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, बस ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है यहां पे इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, और OH जो है क्योंकि हमें वाटर ही तो ऐड कराना है, तो वाटर का OH जो नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, और वाटर का जो H प्लस है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो देखिए हमारा फाइनल प्रोडक्ट अभी का अभी बन गया, यहां CH3 है, और यहां क्या हो जाएगा, एक एक एस था, एक एक हमें अभी मिला जो वाटर का एडिशन हम लोग एल्किन में करा रहे हैं, H2 हो गया, और यहां क्या हो गया, CH2, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, CH2OH। तो इस तरीके से यहां हम लोग मेनली समझे, अगर हमें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कभी भी दिखा तो एल्कीन को अल्कोहल बनाना है यूजिंग एंटी मार्कोनिकोप्स रूल एडिशन, ठीक है। तो आप फिर से देखिए, फिर से हमारे सामने वही एल्किन का एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हो गया, मर्क्यूरी एसिटेट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड और वाटर है, इन तीनों को मिला के हमारा कौन सा रिएजेंट होता है, मतलब इसका नाम क्या होता है, तो वो हो जाता है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, OMDM इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या होगा, एल्किन से अल्कोहल ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, जैसे फर्स्ट वाले में हम लोगों ने क्या देखा है एसिड कैटेलाइज्ड में कि मार्कोनिकोप्स रूल एडिशन हो रहा है लेकिन रीअरेंजमेंट के साथ, सेकंड वाले में हम लोगों ने देखा एंटी मार्कोनिकोप्स रूल HBO में लग रहा है, और यहाँ क्या होगा, यहां सिंपली जो है वो मार्कोनिकोप्स रूल के अकॉर्डिंग जो है वाटर का इस एल्किन पे एडिशन होगा। वाटर में क्या हो गया, मतलब H भी आएगा और OH भी आएगा। तो अब हम देखिए यहां मार्कोनिकोप्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इसके पास कम है जो डबल बॉन्ड के साथ इन्वॉल्व है, तो OH क्या हो जाएगा, OH इसके साथ अटैच होगा यहां पे, मतलब ये इस तरीके से प्लस चार्ज आएगा और H यहां पे आएगा, तो फाइनल हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, तो यहां पे सिंपली CH3 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, और फिर यहां क्या हो जाएगा, CH, और ये यहीं पे OH आ जाएगा,
और ये CH3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग किसमें हाइड्रेशन वाला में भी पहला वाला भी देख रहे थे, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अरेंजमेंट करके ये टर्शियरी कार्बोकैटायन बना के OH हम लोग इस कार्बन पे ऐड किए थे, लेकिन इसमें सिंपली बस मार्कोनिकॉप्स रूल एडिशन करना है, कोई अरेंजमेंट नहीं। तो यही इस तीनों रिएजेंट का जो है डिफरेंस है।